आज का मीटिंग का आउटकम को आप बता दीजिए। मीटिंग का आउटकम इस प्रकार है, हमारा आज सारा डिस्ट्रिक्ट से पेडेटिंग यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग आए हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का पेडेटिंग यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग आए हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में हमने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करके रखा है, हर डिपार्टमेंट से कैपिटल कॉम्प्लेक्स की एम्प्लॉय टर्न अप हुआ है। तो सारा दिन हम लोग डिस्कशन करते करते डिसीजन इस प्रकार आया है कि गवर्नमेंट जो है हम लोग को डेमोक्रेटिक मोमेंट को इलीगल डिक्लेयर करते हुए कई कई डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट में और सेपा में बुमदेला में और लैंड डिपार्टमेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स में किस किन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में सिलेक्टेड प्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉय को नाम दे के 1 डे का सैलरी कट पाया है। ये सरासर गलत है, तो इसलिए आज का मीटिंग में इसको खारिज किया है, कंडम किया है। ऐसा है सारा अरुणाचल में पेन डाउन टूल डाउन मोमेंट रहा, तो यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का और कोई 4-5 आदमी का 10-15 आदमी का पे कट के ये गलत काम किया, इसको विड्रॉ करने के लिए हमने आज डिसीजन लिया है। उसका बाद हमारा डिमांड बहुत सारा डिमांड है, 24 जुलाई को जो दे के रखा वाला है मोर देन 10 डिमांड्स है, तो उसको बाकी हम लोग को निगोशिएशन पे रखे कब दे सकता है। जो 7 CPC का रिकमेंडेशन का स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला कर चुका था कि 5 यहाँ एडप करके, तो ऑल इंडिया सर्विस लोग को उन लोग दिया है, तो ऑल इंडिया सर्विस पोर्गो करने का निर्णय लिया है। पोर्गो अगर करना भी चाहिए था, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छा नहीं, इंटरनल रिसोर्स अच्छा नहीं बोल के ऑल इंडिया सर्विस ने अभी पोर्गो करने का निर्णय लिया है। वो निर्णय अगर आगे लेता अप्रैल को लेता वो बहुत वेलकम गेस्चर था, लेकिन अभी हम अपना ये हक को मांगते समय सारा और अरुणाचल एम्प्लॉय का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 7 CPC का अलाउंसेस को मांगते समय में उन लोग आपका पोर्गो कर रहा है, हमको नहीं देना, ये गलत अप्रोच है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, ये दिस इज टेंटामाउंट टू मिसगाइडेंस ऑफ दी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सिर्फ 7 CPC में पे दिया है ओनली, अलाउंसेस एक भी नहीं है, तो आप दे ही रहा है तो गवर्नमेंट को हमारा अथॉरिटी को यही रिक्वेस्ट है कि आप दे ही रहा है तो रूल का साथ दीजिए। हाँ, आप हमको बुला के बात करिए, आपका प्रॉब्लम क्या है अच्छा से समझाइए, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम बात कर सकता था, निगोशिएशन और जा सकता था। ज़्यादा हमको 8 तारीख को CS का मीटिंग पे ज़्यादा प्रोवोक किया गया है, हमको बहुत करप बात कहा गया है, एबीसी लैंग्वेज में बात करके लास्ट में कैबिनेट डिसीजन को बताना पड़ा है। इसलिए हमारा एम्प्लॉय का सेंटीमेंट दिखाने के लिए हमने वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में गया था, तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ गया है, एक्शन लेना है तो अथॉरिटी को एक्शन लेना है तो सारा एम्प्लॉय को लेना चाहिए, सारा एम्प्लॉय को नहीं लेके फ्यू इंडिविजुअल को लिया है, इसको ऑर्डर को विथड्रॉ करना है। आज का रेजोल्यूशन यही है, टॉप लोकेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस को रूल का साथ देने के लिए आपको हम और गौर करने के लिए, आपका कैबिनेट डिसीजन को गौर करने के लिए हम एक मौका देता हूँ। हमारा 8 तारीख को जो है इंडेफिनिट जाना था, हम तो डेफर कर रहा हूँ, 1 सप्ताह ज़्यादा डेफर कर रहा हूँ, 18 इज ए संडे, तो मंडे 19 से फिर अगर 18 नवंबर तक कुछ निर्णय नहीं होता है, हमारा ऑर्डर को भी वापस नहीं लेता है और TLA और हाउस रेंट अलाउंस को भी मॉडिफाई करके डिसीजन रूल का मतलब देने का निर्णय नहीं करता है, तो एम्प्लॉय ने आज सारा अरुणाचल का एम्प्लॉय इकट्ठा हुआ है, तो डिसाइड किया कि 19 नवंबर से इंडेफिनिट हम लोग डेमोक्रेटिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जारी रखेगा, यही निर्णय लिया है आज की मीटिंग में। CM साहब को हम लोग जब भी मिला है, वो साहब ने उनको हमारा बहुत सारे डिमांड्स है, उन डिमांड्स में से हम कभी नहीं बोला है कि आप सारा डिमांड्स को वन गो में दें, हम वही बोला है कि आपका हमारा डिमांड्स को फेज वाइज एक एक करके दो दो करके देते जाइए। तो CM साहब ने एक दो पब्लिक स्पीचेस में बोला है कि हम कैसे वन गो में दे सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं मांगा है वन गो में, इनका तो कभी नहीं मांगा है। अभी भी आप वन गो में नहीं मांग रहा है ना? नो, अभी तो हम दो ही मांग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो पब्लिकली आप लोग को जो धमकी दिया था, ये सुनने के बाद आप लोग को डर लग गया था? नहीं, ये तो कोई डरने का बात नहीं, सवाल बनता है नहीं, सारा 60-70,000 एम्प्लॉय को एट ए टाइम सबको डाइज नोन लगा के रखेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा मांग जो गैर कानूनी नहीं, हम कानून का अंतर में जो देना चाहिए उसको मांग रहा है, तो हमको वो पनिशमेंट करने का जगह नहीं बनता है।